आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल इंजीनियर। नमस्कार, मैं तेज प्रसाद, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओप्पो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और अपने जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, समथिंग जैसे पिछले हफ्ते ही भारतीय मार्केट में ओप्पो ने ओप्पो F90 सीरीज को किया था लॉन्च। वहाँ पर कंपनी 4G और 5G वेरियंट एक साथ लॉन्च कर रही है एक ही मॉडल को, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने एक और स्मार्टफोन को ए सीरीज का, जो यह एक मिड रेंज और सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है, उसको लॉन्च कर चुकी है और इसका नाम कंपनी ने ओप्पो A54 5G रखा है। हालांकि यहां पर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके 4G वेरिएंट के बारे में भी लीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और इसका 4G वेरिएंट भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और यह दोनों स्मार्टफोन बहुत जल्द आप लोगों को भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसी ओप्पो द्वारा लॉन्च ओप्पो A54 5G के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों क्लियर कर दूं कि इन स्मार्टफोन्स के ओनली सीपीयू पर ही फर्क पड़ता है, बाकी इनके स्पेसिफिकेशन सेम रहते हैं। और यह स्मार्टफोन अभी हाल फिलहाल में ब्लैक और ब्लू कलर के साथ लॉन्च हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं इस ओप्पो A54 5G के अन्य फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं इनके भारतीय मार्केट में उपलब्धता और कीमत के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस ओप्पो A54 5G के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक साइड पर आप लोगों को पॉलीकॉर्ब 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को क्वाड कैमरे, एलईडी फ्लैश की सुविधा और बॉटम तल पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पावर बटन के साथ कंपनी फिंगरप्रिंट सेंसर उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सिंगल पंच होल डिजाइन के साथ कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है, और यह स्मार्टफोन देखने में काफी हद तक ओप्पो A53 जैसा दिखता है। स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.5 इंच की FHD+IPS LCD डिस्प्ले दे रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का है। 29:9 इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिस डिस्प्ले की PPI डेंसिटी 408 निट की है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग जरूर देखने को मिल जाती है, और मेरे हिसाब से एक सस्ते 5G स्मार्टफोन के तौर पर अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो 4G वेरिएंट है उसके प्रोसेसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह 5G वेरिएंट लॉन्च हो चुका है, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4 सीरीज का 480 SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 GHz, जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिल जाता है एड्रेनो का 6198 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर। ये खासकर सस्ते 5G स्मार्टफोन्स के लिए बिल्ट किया गया प्रोसेसर है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी का फीचर तो देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा गेमिंग का भी आप लोग आनंद ले पाएंगे और डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 11 दे रही है, जो काफी बेहतरीन फीचर है, जो रन करने वाला है कलर OS 11 पर। इसके अलावा भी यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, जहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भारतीय मार्केट में अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी यह स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। इसके साथ दोस्तों, अगर बात करें इस ओप्पो A54 5G के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को क्वाड कैमरे का सेटअप उपलब्ध करवा रही है, जो पहला और मेन सेंसर है 48 MP का है। इसके अलावा 8 MP का वाइड एंगल और 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का माइक्रो सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है LED फ्लैश के साथ। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 16 MP का सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरामा, स्लो मोशन और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और इन कैमरों के दम पर आप अपने गोरे काले चेहरे को बड़ी आसानी से सजा और संवार पाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB टाइप सी दे रही है। फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को 4G 5G Wi-Fi GPS FM रेडियो 3.5 ऑडियो जैक ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा अगर फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसके 4G वेरिएंट के बारे में अभी लीक्स आना स्टार्ट हुई है, और इसका जो 5G वेरिएंट है वो ऑलरेडी जापान के मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और जो रूमर्स द्वारा जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उस आधार पर यह स्मार्टफोन अप्रैल के लास्ट तक हर हाल में भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और यहां पर कंपनी
कंपनी इसको दो 4G और 5G वेरिएंट के साथ लॉन्च करने वाली है। अगर बात करते हैं इनकी कीमत के बारे में तो इनकी कीमत 15,000 रुपए से कम ही रहने वाली है भारतीय मार्केट में। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च तो यह एक काफी अच्छा और सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस ओप्पो के ओप्पो A54 5G के भारतीय मार्केट में, खासकर कीमत को लेकर या इसके फीचर्स को लेकर? कुछ भी दिल में आपके विचार हो कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।